संबंधित वीडियो भरहुत बौद्ध स्थल जिला सतना से संबंधित है। इस वीडियो में रोचक ऐतिहासिक रहस्यमय जानकारियां हैं। इन ऐतिहासिक जानकारियों को देखने के लिए कृपया अंत तक वीडियो देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। वर्ष पहले अर्थात ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से भरहुत नाम का बौद्ध स्मारक विकसित हुआ, जो कि यहां पर कम से कम पौने 2000 वर्ष तक जीवित रहा और इसकी ख्याति पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और उसके पश्चात पूरे विश्व में स्थापित हुई। इसके जो कला है, स्थापत्य है और अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं, वो अपने आप में अद्भुत रही हैं। यही इसके विकास का और ये भरहुत स्तूप इतिहास शुंगकालीन राजकुमार धनभूत के दान अभिलेख से ज्ञात होता है कि ये जो स्तूप बना हुआ है वहाँ पे चारों ओर वेदिकाएं हैं और भव्य द्वार थे और चारों द्वारों में भगवान बुद्ध की कथाओं का वर्णन था। यहाँ पर अशोक चक्र, घंटा, कलश, पता नहीं हर चीज विद्यमान था, जिसको इस स्तूप से निकाल कर इंडियन म्यूजियम कलकत्ता इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर तथागत बुद्ध की माता देवी महामाया के जीवन का भी वर्णन था, तो अब यहाँ पर कुछ भी पहचान नहीं बची सिवाय एक बौद्ध स्तूप के।
विकास का और प्रसिद्धि का कारण रहा है। यहाँ जो भारूत है उसकी जो विभिन्न आकृतियां हैं वो लगभग सभी यहाँ से बाहर जा चुकी हैं। आज से 125 वर्ष पहले अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड कनिंघम यहाँ पर आए थे और उन्होंने अधिकांश आकृतियां कोलकाता में स्थापित कर दी और उसके पश्चात भी यहां से वहां की आकृतियों का जाने का क्रम उनके पश्चात भी जारी रहा। इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद में भी, वाराणसी में भी, दिल्ली में भी, अहमदाबाद में भी, अन्य अन्य स्थानों में इसकी आकृतियां पहुंच गई। यहां पर अब कुछ नहीं है, यहां पर मुश्किल से एक या दो आकृतियां। भारूत स्तूप के पिछले हिस्से पर ये आप देख सकते हैं, ये लाल पहाड़ है। पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से पर स्तूप है, स्तूप का प्रथम द्वार भी है और पूर्वी दर्शन करेंगे। एक ये गुफा है, इस गुफा के अंदर दो गुफाएं हैं, आप ये देख सकते हैं, एक गुफा वो और एक गुफा ये। लोग इन गुफाओं में लेटकर अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद उनको पानी मिलता है और जो पानी की गहराई है वो इतनी ज़्यादा है कि एक बार यहाँ के ग्रामीणों ने 22 फीट का बांस डाला था लेकिन तब भी पानी की कोई थाह नहीं मिली है। ये हमारे साथ है और हम एक आपको दूसरी और गुफाएं दिखा रहे हैं। ये कैमरामैन आप इधर दिखाइए, ये जूम करके दिखाइएगा। एक ये गुफा है भारूत पहाड़ की जो काफ़ी लंबी है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं, यहाँ आने जाने वाले जो आसपास के लोग हैं वो भी बताते हैं कि ये गुफा बहुत लंबी है। आकृतियां मूर्तियां वर्तमान हैं, इसलिए हमारा विकास अथवा सोच था कि यहाँ पर किसी भी रूप में भारूत का जो समृद्धि है, भारूत का जो गौरव है, भारूत का जो वैभव है उसको किसी भी रूप में लाया जाए। तो हमने पूरे देश के म्यूजियम से जो इमेजेस हैं वहां से फोटोग्राफ प्राप्त किए, उसके पश्चात उनको एनलार्ज कराया, उनको फ्रेम्ड कराया और 3D फोटोग्राफ के रूप में विकसित किया और उसके पश्चात ड्राइंग, पेंटिंग, रेप्लिका।